छह जजेस का खत है उस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस है उसकी समाप्त हुई। इसमें कुछ दिलचस्प हसास नौत के स्टेटमेंट्स का जो है वो तबादला हुआ और दी गई स्टेटमेंट्स ऑनरेबल जजेस की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक कैंपेन जो है वो रन की जा रही है उनकी कंडक्ट और उनका जो एक किसी और मुल्क का शहरी होने के हवाले से ग्रीन कार्ड होल्डर होने के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है तो उसको लेकर रजिस्ट्रार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन नोट जो है वो इशू किया था जिसका जो टाइटल्ड था कि मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट जस्टिस बाबर सत्तार। तो उस के जवाब में सेनेटर फैसल वावडा ने जो है वो एक खत लिखा है। तो अपोजिशन का तो काम है प्रोटेस्ट करना, वो तो करेंगे एहतजाज, लेकिन हुकूमत को जब हम कहते हैं कि इंगेज करें तो वो इंगेजमेंट का कौन सा प्लान है जो हुकूमत इस वक्त लेकर आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूं निशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो छह जजेस का खत है उस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस है उसकी समाप्त हुई। इसमें कुछ दिलचस्प कुछ हसास नौत के स्टेटमेंट्स का जो है वो तबादला हुआ और दी गई स्टेटमेंट्स ऑनरेबल जजेस की तरफ से कुछ वो माजरा जो है वो आपके सामने रखेंगे। फिर हम सब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक कैंपेन जो है वो रन की जा रही है उनकी कंडक्ट और उनका जो एक किसी और मुल्क का शहरी होने के हवाले से ग्रीन कार्ड होल्डर होने के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है तो उसको लेकर रजिस्ट्रार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन नोट जो है वो इशू किया था जिसका जो टाइटल्ड था कि मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट जस्टिस बाबर सत्तार। तो उस के जवाब में फैसल वावडा सेनेटर फैसल वावडा ने जो है वो एक खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ही। उसमें उन्होंने क्या कहा है थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं कि अपोजिशन इस वक्त सड़कों पर निकलने की बात कर रही है या वो प्रोटेस्ट की बात कर रही है तो अपोजिशन का तो काम है प्रोटेस्ट करना, वो तो करेंगे एहतजाज, लेकिन हुकूमत को जब हम कहते हैं कि इंगेज करें तो वो इंगेजमेंट का कौन सा प्लान है जो हुकूमत इस वक्त लेकर आई है। वो भी कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, कुछ मटेरियल है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह जजेस हैं बस खुद नोटिस की जो समाअत है, एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला के कुछ बड़े सख्त रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए। जजेस के रिमार्क्स में आपस में भी एक दूसरे के साथ एक एलिमेंट ऑफ कह लीजिए कहीं ना कहीं डाइसेंट या आर्गूमेंट जो है वो देखने में आया, सामने वो महसूस हुआ। जस्टिस मंसूर शाह ने बहुत एक्टिवली उसके अंदर जो है वो कमेंट किया। अच्छा, फुल कोर्ट समाअत के हवाले से जो मैंने कल बात कही थी, जस्टिस याया जो है जाया आफरीदी उन्होंने माजरत कर ली जो है वो बेंच का हिस्सा बनने से, तो फुल कोर्ट हेयरिंग जो है वो तो नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने एक नोट भी अटैच किया है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो कोई मामूली या छोटी बात नहीं है जो जस्टिस आफरीदी कह रहे हैं। थोड़ा सा जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ वैसे शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि मेरे दो ही सवाल आते हैं आपसे, एक तो ये कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा कि छह जजेस ने मिसकंडक्ट किया, क्या वो मिसकंडक्ट जो है वो उन्होंने किया? और जब उसके प्रॉम्प्टली अटॉर्नी जनरल रिप्लाई किया कि नहीं सर नहीं किया, तो उस पर फिर अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि अगर नहीं किया तो क्या आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, आप बैठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ कहा गया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ कहा गया है तो मैं जो है वो उसको रिजेक्ट करता हूँ, छह जजों का खत लिखना कोई मिसकंडक्ट नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल जो है उनका बयान है। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो शुरू में टोटली ये लाइन लेती रही है कि इन छह जजेस ने जो किया है उस कंडक्ट को जो है वो जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, और उस वक्त की लाइन ये थी कि अब हम एक जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं उसके लिए, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हवाला है उसके हवाले से। उस पर जो उन्होंने कहा मैं रिजेक्ट करता हूँ। बाबर सत्तार वाले इशू के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक जज के खिलाफ पर्सनल डेटा लीक कर मुहिम चलाई गई है, आपने एक JIT बनाई थी अदलिया के लिए जिसने 31 नोटिस भेजे, क्या उस JIT ने इस मामले को देखा? अगर नहीं तो दोबारा ये मिली भगत साबित होती है। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में वहाँ पे ज़ाहिर है एक्सचेंज ऑफ हो रहा था, स्टेटमेंट्स हो रहा था, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ गुफ्तगू की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपने जस्टिस आफरीदी का नोट पढ़ा है, आप उस नोट को पढ़ें। पढ़ने से पहले अतर मिनल्ला साहब ने उसके जवाब में कहा कि पढ़ने से पहले आप देखें कि आप खुद मान चुके हैं कि 2017 में आपके खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप सियासत को छोड़ दें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यह सियासत नहीं है, ये हकीकत है, कभी भी सिविल बालादस्ती इस मुल्क में नहीं रही है, जैसे अतर मिनल्ला का कहना था। फर्दर ऑन जस्टिस मिनल्ला ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जब रियासत खुद जारियत पर उतर आए तो कोई शहरी उससे लड़ नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है रियासत जो है वो ऑल पावरफुल होती है। फर्दर उनका कहना था कि इदारा जाति रद्द अमल ही उसका हल है। मुल्क में तीन एजेंसियां हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है उन्होंने इसके अंदर कमेंट ऐड किया, उन्होंने कहा कि IB, ISI और MI
पता ये करना है कि ये किस कानून के तहत बनी है। ये कमेंट भी जस्टिस नईम अख्तर अफगान का है। उन्होंने कहा कि हमें आइंदा समाअत पर इन एजेंसियों के कानून बताए जाएं कि ये किन कानून कवानीन के तहत जो है बनी है, ये एजेंसीज किन कवानीन के तहत काम करती हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस याही आफरीदी का नोट पढ़ें, ये एक सादा नोट नहीं है। अच्छा जस्टिस चीफ जस्टिस जो है उन्होंने अच्छा डिस्कशन के अंदर जहाँ पर ये कंडक्ट और इन चीज़ों की बात आ रही थी, अटॉर्नी जनरल ने जो है वो थोड़ा सा गुफ्तगू में कहीं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हवाला देने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जिक्र आप इस वक्त ना करें क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो एक अलग फोरम है, उसकी तजावीज़ देनी है तो किसी और वक्त आए वो अलग से दें। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इंतजामी नहीं, हम जुडिशियल साइड पर जो मामला हैं उनको देखने के लिए बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर कोई ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। जस्टिस मिनल्ला का बल्कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा और जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि हम तो काउंसिल के फैसलों को ख़त्म भी कर सकते हैं, उनमें तरमीम भी कर सकते हैं, हम अहम मामले पर एग्जीक्यूटिव को एडवाइस भी दे सकते हैं। ये जस्टिस जो है वो मिनल्ला का जो है वो उसके पर रिमार्क था। अच्छा फिर डिफरेंट हाई कोर्ट्स का जो रिस्पॉन्स आया है उन रिस्पॉन्स को भी उन्होंने एनालाइज किया। बलोचिस्तान के जो जजेज़ हैं उनके नोट की बड़ी तारीफ हुई, बल्कि कहीं बीच में लिखी गई अंग्रेजी और एक्सप्रेशन की भी बड़ी तारीफ की गई। अच्छा जब हम बात करते हैं खुफिया एजेंसीज के रोल के हवाले से तो बड़ी उसके ऊपर जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुई। एक तो पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि ये किस कानून के तहत बनी है और काम करती हैं हमें बताया जाए। दौरान गुफ्तगू वहीं पर ये भी कहा गया कि अगर किसी चीज़ के अंदर ये बताया जाता है कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का रोल है तो फिर हम यही समझेंगे कि उसके अंदर हुकूमत इन्वॉल्व है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर के मातहत होती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी एजेंसी का रोल है, फिर वो गवर्नमेंट भी उसके अंदर उतनी ही जिम्मेदार और इन्वॉल्व है। अच्छा मजीद उन्होंने कहा कि जब हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सारी कॉन्वर्सेशन के बाद में ये कहा कि स्टेटमेंट्स के बाद कि जब हम जजेस की तैनाती के लिए जब हम खुफिया इदारों से रिपोर्टें मंगवाते हैं तो हम उनको खुद मुदाखलत का मौका देते हैं। जब आप मॉनिटरिंग जज लगवाएंगे, जब GITs में उनको शामिल करेंगे तो उनको मुदाखलत का खुद से मौका मिलेगा। अच्छा मैंने कहा ना कि वो डिफरेंट चीफ जस्टिस के रिस्पॉन्स को एनालाइज किया, जैसे जमाल बंदुखेल साहब ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का जवाब जो है वो सबसे ज्यादा संजीदा है, वो तो कहते हैं कि हमें जान से मार देने की धमकियां भी आती हैं। साथ में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि एजेंसियों को बयानाते हल्फी दें कि उनकी तरफ से मुदाखलत नहीं होती। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसके जवाब में कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि मुदाखलत होती है। मैंने कहा था कि जजों की तैनाती में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स को नहीं देखा जाएगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा। मैंने कहा था इंटेलिजेंस एजेंसियां जुडिशियल कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगी। अदलिया की आज़ादी की बात करने वाले शायद ये नहीं जानते हो कि इसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया था। सो बेसिकली इंटरफेरेंस होती है, क्यों होती है, थोड़ा सा उसके हवाले से हमने देखा कि बात की वक्फे से पहले की गुफ्तगू है, लेकिन जो फोकस था वो सारा इसी बात के ऊपर था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि खुफिया एजेंसियों की कोई मुदाखलत होती है कि नहीं होती है और उसको किस तरीके से फिर आगे डील किया जाता है। क्योंकि मैं अभी जस्टिस बाबर सत्तार की बात करी थी, जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है उनके मामले का हवाला भी दिया है, तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। इस इशू को लेकर भी और दीगर भी उनके कंडक्ट के हवाले से बड़ी एक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन है, उसकी का एक नोट भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो इशू किया गया जिसमें कहा गया कि मेरिशियस कैंपेन है जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ। जस्टिस बाबर सत्तार मेरा ख्याल है कि अगर हम कुछ इंटेग्रिटी वाले जजेस की अगर फहरिस्त बनाए इस मुल्क के अंदर तो शायद उनका नाम कुछ सारे फहरिस्त लोगों के अंदर आता होगा। बहुत काबिल, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत नोन टू ट्राई एंड स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन, वो नोन है इस सारे मामले के लिए। फैसल वाउडो साहब ने जो मिलिशियस कैंपेन वाला मामला है उसके ऊपर एक खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 19A जो कि ये राइट देता है फ्रीडम टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का, या उसके तहत जो है वो एक एक्सचेंज उन्होंने खाई जी हुआ था उस वक्त के चीफ जस्टिस और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि मैं क्यों फ्रीली ट्रैवल कर सकता हूँ पाकिस्तान से बाहर और अमेरिका जा सकता हूँ क्योंकि मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो अवाम की तसल्ली के लिए वो इस आर्टिकल 19A के तहत जो है मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे जो है उस खत की एक कॉपी प्रोवाइड कर दी जाए। उन्होंने ट्विटर पर भी जाके अपना वो जो नोट है उसको लगाया है जो उन्होंने लिखा है रजिस्ट्रार को। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि अब इसके बाद जो है वो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो एक जो है वो ये जो है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। अच्छा दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। तीसरा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हकूमत ऑपोजिशन इनके माबैन मुजाकरात, ऑपोजिशन इस वक्त एहतजाज के लिए भरपूर गैरअप होती हुई दिखाई दे रही है। हकूमत में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं हकूमती बेंचेस के ऊपर, जिसके अंदर बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग भी हैं, तारिक साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्हीं का जिक्र ले लेते हैं, राना एहसान अफजल हैं, बहुत सारे और लोग इस तरह के जो कि टॉक शोज़ पर आ रहे हैं, उनका मौकफ़ यह है जी कि हम कोई मुजाकरात नहीं कर रहे। ये अगर चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हों तो पार्लियामेंट आए, ये अगर चाहते हैं कि इनके मैंडेट चोरी जो ये कहते हैं इनका क्लेम है अगर उसको वापस बहाल करना चाहते हैं तो ट्राइब्यूनल्स में जाएं, कोर्ट्स में जाएं, लीगल सिस्टम को अप्रोच करें, इलेक्शन कमीशन जाएं, कोर्ट्स में जाएं, जो भी एवेन्यूज अवेलेबल हैं।
और अगर ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई हो जाए तो उस सूरत में भी कोर्ट्स जो है वो खुली हुई हैं और लीगल प्रोसीजर के तहत ही होगा क्योंकि वो कानून के तहत जो है वो इस वक्त वहां पर बंद है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि सड़कों पर निकल कर होगा, कोई ऐसी सूरत नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं है। और अगर ये अग्रेशन दिखाने की कोशिश करेंगे तो रियासत अग्रेशन का भरपूर अग्रेशन से जवाब देगी। सो ये वो लाइन है जो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए लोग ले रहे हैं। ऑन दी अदर साइड हुकूमत के बड़े इंपॉर्टेंट सीनियर लोग जो कि इस वक्त हुकूमत में इकतदार में नहीं है, वजारतों में नहीं है, जीते नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, राणा सनाउल्ला फॉर एग्जाम्पल मुसलसल दावत दे रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कि आप आए और मुजाकरात करें, बल्कि उन्होंने जो यहाँ तक कह दिया कि अपोजिशन एक कदम बढ़ाए हम दौड़ कर उनके पास जाएंगे। ये जो डेस्परेशन है बाहर बैठे हुए सीनियर हुकूमती लोगों की, नून लीगियों की, नून लीगी रहनुमाओं की, क्यों है ये एक सवाल है। क्योंकि इस वक्त एक इंप्रेशन ये भी है कि राणा सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, बहुत सारे इस तरह के लोग, खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं, ये लोग जो बयानिया ये नैरेटिव बना रहे हैं वो नैरेटिव है जो कि नवाज शरीफ का मज़ाहमती नैरेटिव है। तो मज़ाहमती नैरेटिव के अंदर ये बात कहाँ से बार बार आ जाती है जब ये कहा जाता है कि आप एक कदम बढ़ाएं हम दौड़ कर आपके पास चले आएंगे। तो ये जो डिस्परेशन है वेयर इज़ इट गोइंग टू गेट देम द गवर्नमेंट। पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो बड़ा क्लैरिटी के साथ बार बार ये कह चुकी है कि हम तो पावर हैं, हम पावर से बात करेंगे, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, ये जो कठपुतली आए हैं इनके साथ तो बात नहीं करेंगे। गो कि उनकी मन तक भी समझ नहीं आती है कि आप ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप एक एंटिटी पर कि ये इन्होंने चोरी करके आपका हिस्से की कोई चीज़ किसी और के हिस्से में डाली है। अब आप ये कहते हैं कि जिन्होंने चोरी की उनसे आप बात नहीं करेंगे, लेकिन जिनको बेनिफिट हो गया उनसे आप जो उनसे आप बात करेंगे, जिनको बेनिफिट हो गया उनसे आप बात नहीं करेंगे। तो जो मंतक है वो कम से कम समझ नहीं आती है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट वाली बात है, स्ट्रीट्स पर निकल कर एजिटेशन वाली बात है, ये हुकूमत के लिए बहुत संगीन साबित हो सकती है। एंड आई रियली होप कि हुकूमती हलकों को इस बात का एहसास भी है और इदराक भी है और वो इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। क्योंकि हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए बैट कॉप खेलेंगे और बाहर बैठे हुए गुड कॉप खेलेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। इस मसले को किसी एक स्ट्रैटेजी से हल करना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये आवाज़ें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और 9 मई करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपको सिचुएशन को आपने असेस कर लिया है तो आप एक और 9 मई ना होने दें, पॉलिटिक्स ना करें, जिम्मेदार हुकूमत होने का मुजाहरा दें करें। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इस सारी सिचुएशन के अंदर। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।